हेलो दोस्तों, मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम हिंदी के 3 लेक्चर कर चुके हैं। उसमें हमने स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्णों के उच्चारण स्थान, कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, उच्चारण स्थान अर्थात किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। जैसे कि हम देखते हैं, जब हम फेफड़ों से हमारी वायु निकलती है तो वो जो है कंठ तक आते आते, यहाँ तक आते आते उसमें कोई ध्वनि नहीं होती। यहाँ से आने के पश्चात उसमें जो ध्वनि होनी स्टार्ट होती है, वह जो ध्वनि हमारे मुख के किस भाग से निकलती है, वही उसका वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उच्चारण स्थान हमारे होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ। कंठ क्या होता है हमारा? ये जो हमारा गले का गोल भाग होता है ना, ये हमारा कंठ होता है। जब हम किसी भी ध्वनि को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हम ए, तो देखो यहाँ से उच्चारित हो रही है नहीं, वो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये कंठ होता है। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ। कंठ क्या होता है हमारा? ये वाला भाग। उससे बाद हमारा उच्चारण स्थान कौन सा आता है? तालू। ये जो जीभ होती है, जीभ का पिछले स्तर होता है हमारा, ये जो इसके ऊपर जो जबड़े का ऊपर वाला भाग होता है, ये क्या होता है हमारा? तालू। ये वाला भाग क्या होता है हमारा? तालू। इसके पश्चात हमारा कौन सा भाग उच्चारण स्थान आता है? मुख का। ये जो दांतों के पीछे जो जीभ का अगला वाला भाग होता है नहीं, ये जब जो हमारे मुख के ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, तो ये कौन सा भाग होता है हमारा? मूर्धा। उसके बाद हमारा उच्चारण स्थान होता है दंत। और उसके बाद कौन सा होता है उच्चारण स्थान हमारा? ओष्ठ। ये होठ जो होते हैं नहीं हमारे, ये तो हमने पता चल गया कि उच्चारण स्थान हमारे कितने होते हैं। ये मुख से कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धा, ये दंत और ये ओष्ठ। इसके अलग भी हम कुछ जो वर्णों का उच्चारण जो नाक से करते हैं, उनका क्या होता है उच्चारण स्थान? नासिक। तो टोटल हमारे ये उच्चारण स्थान होते हैं, इनसे मिलकर ही और उच्चारण स्थान बनते हैं। जैसे क्या? कंठ तालव भी है, कंठोष्ठ, इन्हें मैं समझाऊंगा भी आपको। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में, कि कौन से स्वर का उच्चारण किस स्थान से होता है। ये तो आपने समझ ही लिया होगा, कंठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं। कई बार इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है कि तालु कौन सा भाग होता है, मूर्धा कौन सा भाग होता है। तो इसे मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। मैंने आपको बताया था सबसे पहला भाग कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, ये बताया था नहीं मैंने आपको। तो देखो, के से कंठ हो गया, टी से तालु हो गया, और एम से मूर्धा। तो ये क्या हो गया हमारा? KTM। KTM बाइक नहीं होती KTM की, तो उस ट्रिक से आप इसे याद रखेंगे KTM। जब आपको कंफ्यूजन हो कि भी तालु पहले आएगा या मूर्धा पहले आएगा, तो तालु ये होता है हमारा पिछला भाग और मूर्धा होता है अगला भाग। तो अब KTM के सारे आप इसे भूलने के नहीं है। आज जो हम जो उच्चारण स्थान जो करेंगे, वो जो इन्हें रट कर याद नहीं करेंगे, हम जो स्वयं उच्चारण करके देखेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को उच्चारण स्थान। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था वर्ण दो भागों में बांटा गया, वर्णों को स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? टोटल 13। स्वर लिखते हैं हम, कौन कौन से होते हैं हमारे 13? ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और अं और ए, ये होते हैं हमारे टोटल स्वर। अब हम देखते हैं इनका उच्चारण स्थान कौन से का कौन सा। दोस्तों, हम देखते हैं ए का उच्चारण स्थान। ए को देखो, हम उच्चारण करके देखते हैं ए का। ए तो कहाँ से निकल रही है आवाज? कंठ से निकल रही है। आप भी उच्चारण करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से आवाज निकल रही है। ए तो ए का उच्चारण करते समय हमारी हरकत जो वो गले के यहाँ हो रही है सिर्फ, तो ये कौन सा भाग होता है हमारा? कंठ।
तो एक का उच्चारण स्थान क्या होगी हमारा, कंठ। दोस्तों जब हम आगे चलकर दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा आ जो होता है, आ का निर्माण किससे होता है, ए प्लस ए से। जो हमारा ए का उच्चारण स्थान कंठ है तो ए प्लस ए, तो आ का उच्चारण स्थान भी हमारा क्या होगा, कंठ ही होगा। हम दो बार कोई लिखेंगे कंठ कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, आ का कंठ ही होगा। अब हम देखते हो ई का उच्चारण करके, ई ई जब हम ई बोल रहे हैं तो देखो हमारे जीभ का जो पिछला वाला हिस्सा है ये आगे वो खिंच रहा नहीं है, ई कहाँ से हो रहा है इसका उच्चारण, ई यहाँ से हो रहा है यहाँ से। तो ये हमारे मुख का कौन सा भाग है, ये है तालु। और इसका भी किससे होता है, तालु से ही। ऊ अब हम उच्चारण करते हैं ऊ का, ऊ तो जब हम ऊ का उच्चारण करना है तो सिर्फ हरकत कहाँ हो रही है, हमारे होठों में हो रही है, देखो आप करके देखो ऊ, और तो कहीं जीभ कहीं स्पर्श नहीं कर रही, तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, ओष्ठ से, इनका दोनों का। उसके बाद हम देखते हैं री, देखो री बोलो, री री तो ये जब बोल रहे हैं तो हमारी ये जो जीभ का अगला हिस्सा है, ये जो हमारे दांतों के पीछे वाला जो भाग है ये यहाँ टच कर रहा है, ये क्या होता है हमारा, मूर्धा। तो ई का री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, मूर्धा। जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ए जो होता है, ए का निर्माण किससे होता है मिलकर, ए का निर्माण होता है ए प्लस ई, इनसे होता है ना। देखो आप जब हमारा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ, और ई का क्या होता है हमारा, तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, इनका इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। और ए का निर्माण हमारा किससे मिलकर होता है, ए का होता है हमारा ए प्लस ए से। तो जब हमारा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ, और ए का क्या होता है, कंठ तालव्य। तो हम देखना कंठ कंठ प्लस कंठ तालव्य, तो कंठ तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही है, तो ए का उच्चारण स्थान भी हमारा क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य ही होगा। उसी तरीके से हम देखते हैं ओ को, ओ का निर्माण हमारे किससे मिलकर होता है, ए प्लस ऊ से। देखो बोलो आप किसकी ध्वनि निकल रही है, औ, तो ए का उच्चारण क्या होता है हमारा, कंठ से, और ऊ का किससे होता है हमारा, ऊ का ओष्ठ से। मैंने अभी आपको बताया तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ है। इसी तरीके से ऊ देखो किससे मिलकर बनता है, ऊ जो मिलकर बनता है किससे, ए प्लस ओ से। ए का उच्चारण क्या होता है, कंठ, और ओ का कंठोष्ठी है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठी ही होगा इसका भी, क्योंकि जो कंठ प्लस कंठोष्ठी है कंठोष्ठी ही रहेगा, वो दो बार कंठ कंठ कोई बोलेंगे हम, एक बार ही तो बोलेंगे, अंग और है। इनका उच्चारण स्थान में आपको बताऊंगा व्यंजन पढ़ाने के बाद। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन का उच्चारण स्थान। मैंने आपको बताया था व्यंजन लिखने की ट्रिक, क्या थी हमारी व्यंजन लिखने की ट्रिक, व्यंजन लिखने की हमारी ट्रिक थी कचट तप का यश कस्त्रिय है। कचट तप क्या था, वो जो पांच हमारे वर्ग थे उनका जो प्रथम वर्ण था, तो हमारे व्यंजन में पहला वर्ग कौन सा होता है हमारा, क वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा होता हमारा, च वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा होता, टै वर्ग। चौथा वर्ग तय वर्ग, और जी पांचवा वर्ग कौन सा होता, पै वर्ग। तो देखो ये क्या हो गया, कचट तप। अब हम इनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, पहले इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं वो लिखते हैं। कै वर्ग में हमारे कौन कौन से, पहले हम उच्चारण करते हैं कै का, बोलो कै। तो देखो कहाँ हरकत हो रही, मुख के इस वाले भाग में, यहाँ तो कै का उच्चारण क्या हो गया, कंठ। इस पूरे के पूरे वर्ग को उच्चारण करके देखो, कै खै गै घै अंग। तो देखो सारी की सारी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है सारी की सारी ध्वनि, आप खुद छूकर देखो यहाँ, फिर इनका उच्चारण करके देखो, कै खै गै घै अंग। तो देखो यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या, सबका कंठ। इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, सबका कंठ। ये सारे के सारे जो व्यंजन है हमारे जो है कंठ से उच्चारित होते हैं।
फिर हम देखते हैं चय वर्ग। चय वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? चय, छ, ज, झ और ञ। अब आप इनका उच्चारण करके देखो। चय, छ, ज, झ, ञ। तो देखो कंठ, कंठ से क्या ये जीभ का पीछे हिस्सा क्या ये आगे की तरफ खींच रहा है। यहां देखो कहां हो रहा है ये, यहां यहां वाइब्रेशन हो रही है। चय, छ, ज, झ, ञ। तो ये कौन सा भाग होता है हमारा? तालु। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? चय वर्ग का हमारा तालु। इसके बाद आता है हमारा टय वर्ग। टय वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? टय वर्ग में आते हैं हमारे ट, ठ, ड, ढ और ण। अब इनका उच्चारण इस करके देखो। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये जो जीभ, जो जीभ का अगला हिस्सा क्या लग रहा है हमारे मुख के ऊपरी वाले हिस्से में लग रहा है। ये जब जीभ का अगला हिस्सा हमारे जो ऊपरी वाले जबड़े में लगता है तो कौन सा उच्चारण होता है उसका? उसका होता है मूर्धा। तो टेवर का उच्चारण स्थान हमारे क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्योंकि जो जीभ का जो हमारा अगला हिस्सा है ये हमारे ऊपर वाले जबड़े में लग रहा है तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। अब हम देखते हैं तेवर। तेवर में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ते, थे, दे, धे और ण। अब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं। ते, थे, दे, ध, ण। तो जीभ कहाँ लग रही है हमारी? जीभ जो दांतों में आकर लग रही है तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? दंतीय। क्या हो जाएगा? दंतीय, यानी कि दंत। इनका उच्चारण किसके द्वारा होता है? दांतों के द्वारा। अब हम देखते हैं पैवर। पैवर में हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प, फ, ब, भ और म। अब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं। प, फ, ब, भ, म। तो देखो दोनों ओठ जो हमारे दोनों ओठ मिल रहे हैं आपस में तो क्या हरकत हो रही है हमारे मुख के? होठों में। तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? ओष्ठ, यानी कि होठों के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये जो उच्चारण स्थान पढ़ा है समझ में आ गया होगा। आप क्या है, आप इनको जो स्वयं उच्चारित करके इनको आप लिख कर प्रैक्टिस करना, आप जो है फिर भूलोगे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ये कितने वर्ग होते हैं व्यंजन में? 5 वर्ग। कचट तप, तो कचट तप मैंने आपको बताया भी, पांच उच्चारण स्थान बताए थे आपको मैंने। सबसे पहले क्या? कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो इनका जो क्रम से उच्चारण स्थान होता है इनका, इसका कंठ से, इसका तालु से, इसका मूर्धा से, इसका दंत से, इसका ओष्ठ से। मैंने आपको बताया था अगर आपको कंठ और तालु और मूर्धा में कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ना, KTM से। KTM क्या होता है? बाइक का नाम है। तो के, कंठ के से, तालु टी से और मूर्धा एम से। अब हम देखते हैं इससे बाद क्या आता है हमारा। ट्रिक बताई थी जो मैंने आपको, कचट तप का यश कस्त्रीय है। तो इसके बाद क्या आता हमारा? यह वर्ग। यह वर्ग क्या होता है हमारा? अंतस्थ। अंतस्थ वर्ग लिखते हैं हम। अब अंतस्थ वर्ग क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो ये स्वर और व्यंजनों के मध्य है होते हैं, यानी स्वर और व्यंजनों जैसी आवाज देते हैं ये, तो इसलिए हम इनको अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ वर्ग में हमारे कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ये, रे, ले और वे। देखो ये मैंने आपको जब अर्ध स्वर पढ़ाए थे तब बताया था ये किसकी जैसी आवाज देता? ई जैसी। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, जैसे क्या एग्जाम्पल लेते हैं हम? पढ़ाई और पढ़ाई। तो देखो उनको उच्चारण करके देखो, सेम सेम सा आ रहा है नहीं बाद में? पढ़ाई, पढ़ाई। तो यह जो किसके जैसा उच्चारण करता है? ई जैसा। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? तालु। तो यह का उच्चारण स्थान भी हमारा क्या हो जाएगा इसका? यह का हो जाएगा हमारा तालु। फिर हमारा आता रे। देखो रे का उच्चारण करके देखो आप। रे, ये जीभ का जो अगला हिस्सा है दांतों के जो पास में मसूड़े इनसे स्पर्श कर रहा नहीं, रे दांतों के बगल में बिल्कुल। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? दंत मूल। दंत मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ जो हमारे दांतों के बगल में स्पर्श करती है बिल्कुल यहाँ मसूड़ों पर, इसलिए इसे दंत मूल कहते हैं। और इसलिए इसे वर्तस्य भी कहते हैं। क्या? वर्तस्य। ये भी ध्यान रखना, ये पूछ लेता। रे को हम लुंटित भी कहते हैं। रे को हम लुंटित क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ जो हमारे तालु से लुढ़क कर आवाज निकालती है, इसलिए हमको रे को क्या कहते हैं? रे लुंटित भी कहते हैं। कई बार पूछ लेता है ये लुंटित वर्ण कौन सा है, तो क्या होता है हमारा? रे होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं ले का उच्चारण करके।
ले, तो ले का उच्चारण भी रे की तरह ही होता है। देखो रे और ले, देखो जीभ जो जो जीभ का जो अगला हिस्सा है हमारे दांतों के पास में स्पर्श करता है, तो इसलिए से इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, हमारा दंत मूल ही होता है, दंत मूल। और इसे भी वर्तस्य कहते हैं क्योंकि जो जीभ जो हमारे जो दांतों के बिल्कुल मसूड़ों पर स्पर्श करती है, इसलिए से वर्तस्य भी हम कहते हैं। अब बचता हमारे क्या, वह, वह का उच्चारण करके देखो, वह, तो जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं ये जो नीचे वाले होठ से स्पर्श कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, देखो बोलकर वह, तो ये जो देखो दांत जो है ये होठों पर स्पर्श कर रहे हैं नीचे, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष, यानी कि दांत से भी हो रहा और होठ से भी हो रहा, ऊपरी दांत जो निचले होठों पर लग रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, दंत योष्ठ से। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप खुद इनका उच्चारण करके देखो, ये रे ले वे, ये तो देखो यहाँ से उच्चारित हो रहा, रे और ले यहाँ से, और वे ये ऊपरी दांत जो हमारे निचले वाले होठ से स्पर्श हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है, हमारा ऊष्म व्यंजन, उसमें संघर्षी भी कहते हैं, कौन कौन से व्यंजन, यानी कि हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, उसमें व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, से, से, से और है। अब हम इनका उच्चारण स्थान देखते हैं, से, देखो से, से से क्या होता है, सलजम, आप जब बोलते हो देखो कहाँ से उच्चारित हो रही है, सलजम से, यहाँ से तालू से, जीभ जो हमारे जीभ का पीला हिस्सा जो है ऊपरी वाले मसूड़े में लग रहा है, बोल कर देखो सलजम, पीछे टच हो रहा है नहीं, तो ये क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, तालू। अब आप बोल कर देखो सैसे क्या, षटकोण, तो देखो जीभ जो जीभ ये जो दांतों के पीछे जो ये हमारा मुख का ऊपरी हिस्सा इसमें स्पर्श कर रही है, क्या होता है हमारा, मूर्धा, तो सै का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, मूर्धा। षटकोण बोल कर देखो आप, षटकोण। अब इस सै को बोलते हैं हम सपना, सपना, तो जीभ क्या हमारे दांतों के मसूड़ों को स्पर्श कर रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, दंतमूली, यानी कि दांतों के बगल में स्पर्श कर रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, वर्तस्य भी कहते हैं। अब है बोलते हैं हम, है देखो किसके ऐसी ध्वनि निकालना, ऐ जैसे निकालना नहीं, है ए, तो यहाँ से उच्चारित हो रहे हैं नहीं ये, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ। है का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा, कंठ। आप जो स्वयं उच्चारण करके जो उनका देखेंगे उच्चारण स्थान, तो आप इन्हें भूल नहीं पाओगे, आप इन्हें लिख कर और देखना, प्रैक्टिस करना इनकी। अब इसके बाद हमारी बात है क्या, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारे मैंने आपको बताया था किन किन के योग से मिलकर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या हमारे होते हैं, हमारे कस, त्रे और क्या होता है हमारा, जिये और क्या होता है हमारा, स्रे, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, कस, त्रे, गये और स्रे। अभी किस किस के योग से मिलकर बनते हैं मैंने आपको बताया था, किस किस के योग से, ये बनता कै प्लस से, ये बनता है ते प्लस रे से, और ये गये बनता है, ये बनता हमारा जे प्लस ए से, और ये स्रे किससे बनता है, से प्लस रे से। अब हम देखो इनके उच्चारण स्थान हम पहले से पढ़ चुके हैं, कै का उच्चारण स्थान भी और स का भी, तो ये जो इन्हीं के इन्हीं से उच्चारित होंगे, जैसे कै, कै किससे उच्चारित होता है हमारा, कंठ से, कंठ, और स किससे उच्चारित होता है हमारा, स मूर्धा से, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ मूर्धा, क्या हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान, कंठ मूर्धन्य। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता कस का उच्चारण स्थान होता था क्या होता, कंठ मूर्धन्य। देखो इसमें हम रटने की जरूरत नहीं, हमें पता कस किससे मिलकर बनता है, कै प्लस से, हमें कै का उच्चारण स्थान भी पता और से का भी, तो हम जो इनके उच्चारण स्थान से इसका उच्चारण स्थान निकाल लेंगे, क्या होता है इसका, कंठ मूर्धन्य। इसी प्रकार से हम निकालेंगे त्रय का, त्रय किससे मिलकर बनता हमारा, तय प्लस रे, त्रय का उच्चारण स्थान, त्रय किनसे मिलकर बना, तय प्लस रे से, तय का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, देखो दंत, क्या होता है, दंत, और रे का, रे का होता दंत मूल। तो त्रय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, दंत मूल, क्योंकि दंत तो इसमें ऑलरेडी पहले से आ ही रहा है, तो इसे दो बार कोई लिखेंगे दंत दंत मूल, तो क्या होगा इसका, दंत मूल ही हो जाएगा।
अब हम देखते हैं जीए का उच्चारण स्थान। जीए, जीए किससे मिलकर बनता है, जय प्लस ई से। जय का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, तालू, और ई का भी तालू होता है, तो क्या हो जाएगा, तालू प्लस तालू। तो हमारा जिया का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, हमारा तालू ही होगा, क्या होगा, तालू। अब हम देखते हैं श्रे, श्रे किससे मिलकर बनता है हमारा, से प्लस रे से। से का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, तालू, क्या होता है ये, तालू। और रे का, रे का होता है दंतमूल। तो श्रेय का उच्चारण स्थान क्या जाएगा हमारा, तालू दंतमूल, यानी कि इन दोनों को मिला के ये इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब हमारे दो और व्यंजन बचते हैं, मैंने आपको बताया था क्या, अतिरिक्त व्यंजन या उत्सृप्त व्यंजन कहते हैं जिन्हें, ये होते हैं हमारे क्या, अब हमारे दो व्यंजन और बचते हैं जो मैंने आपको बताया था, इन्हें क्या कहते हैं, उत्सृप्त व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन, क्या होते हैं हमारे, डे और डे। ये क्या होते हैं हमारे, जब डे और ढे का उच्चारण हमारे जो मूर्धा से होता है, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है हमारा, मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान भी हमारा मूर्धा से ही होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। अब मैंने आपको एक और बताया था उच्चारण स्थान नासिक के, कि कुछ वर्णों का उच्चारण हम जो नाक के द्वारा भी करते हैं। अब देखो हमारा मुख है, मुख में क्या, अगर हमारी नाक हटा दिया है तो मुख जो हमारा पीले हो जाएगा नहीं, ये बाहर को क्या आ रही है, हमारी नाक ही आ रही है, ये हमारी नाक जो बाहर को आ रही है। इसी तरीके से हम इनमें देखते हैं व्यंजन में, अगर हम ये वाली पंक्ति हटा दें तो देखो ये एक प्लेन में हो जाएंगे ना, एक लेवल में, लेकिन ये क्या, जैसे हमारे मुख में नाक निकल रही, इसी तरीके से ये नाक की तरह जो व्यंजन में निकल रहे हैं। तो ये जो सारे वर्ण है इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, नासिक के भी होता है, इन सबका क्या होता है, नासिक के। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, वो पूछ सकता है नए वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, वो ऑप्शन क्या देगा आपको, कंठ, तालू, मूर्धा प्लस नासिक के। तो देखो नए का क्या, ना तो कंठ होता, ना तालू होता, ना मूर्धा होता, क्या होता, दंत होता है, लेकिन दंत उसने ऑप्शन दिया नहीं, उसने क्या दिया ऑप्शन, नासिक के। इनका उच्चारण क्या होता है, नाक के द्वारा भी होता, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, नासिक के। इन ये जो पांचों के पांचों वर्ण है इनका उच्चारण स्थान हम नाक के द्वारा भी कर सकते हैं, नासिक के और कंठ के द्वारा भी कर सकते हैं। अब आपको देखना कि एग्जाम में आपको ऑप्शन किस तरीके से दिया है। अब मैंने आपको बताया था ये जो दो स्वर है अंग और है, इनका उच्चारण स्थान में आपको व्यंजन के बाद बताऊंगा। तो देखो अंग क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं संबंध, लिखा हमने कोई शब्द संबंध, तो जब इनका इसका इसे लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है संबंध। ये किस तरीके की आवाज निकालता, मैं और नय की, ये देखो मैं और नय की, इस मैं और नय की उच्चारण स्थान क्या निकालना है, ये हमारी ये जो है, ये जो हमारी बिंदी जो है मैं और नय की आवाज निकाल रही है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो, किसके द्वारा हम करते हैं, नाक के द्वारा। तो ये ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारे, इसका नासिक के, क्या हो जाएगा, नासिक के। इसमें मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, देखो यहाँ जो ये भी, ये दोनों बिंदी एक सी थी, लेकिन यहाँ इसने मैं की आवाज दी, यहाँ इसने नय की, ऐसा क्यों, क्योंकि जिस भी वर्ण के पहले आते हैं उसी वर्ण के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि बे, बे के पहले आए, बे कौन से वर्ण का व्यंजन है, देखो बे, बे का वो पंचम वर्ण का व्यंजन है, बे, बे के पहले क्या बिंदी लगी, तो ये क्या इसका पंचम वर्ण क्या, मैं, तो देखो किस में परिवर्तित हो गया, ये मैं का। इसी तरीके से धे, धे देखते हैं, धे कौन से वर्ण का व्यंजन है, धे जो ते वर्ग का, इसके पहले बिंदी है, तो इसके पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाए, किस में, नैन। और मैंने आपको बता दिया आवाज किसकी देते हैं, नासिक के की। अब हमारा बचता अह, अह लिखते हैं हम विसर्ग, अह विसर्ग, अतः, अतः के लास्ट में कोई क्या लिख रही है, ये किसकी आवाज देती है हमारी, है की आवाज देती नहीं, अतः, पढ़ो आप इसको ध्यान से, या एक और होता दुहु, तो ये है जैसी आवाज देते हैं ये, तो है का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ से, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा कंठ। तो अब देखो सारे के सारे जो वर्ण है हमारे, हमने उनको उच्चारण स्थान पढ़ लिए हैं। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो इन्हें जो लिख कर समझें, जैसे मैंने आपको समझाया, स्वयं उच्चारण करें और उनको लिख कर देखें कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है, फिर तो लिख कर देखें। इसमें मैंने आपको रिलेट करके ही पढ़ा है, जैसे कि यह मैंने किससे रिलेट करके पढ़ा है, तालू से, ई से, जैसे ई का उच्चारण स्थान तालू से होता, और यह का उच्चारण भी ई की तरह होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है
ये कस त्रे जीएस रे, ये देखो किस किस से मिलकर बनते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जौन से व्यंजन से मिलकर बनते हैं उनके उच्चारण स्थान हमें पता है कै प्लस से, तो उनका उच्चारण भी किससे होगा, इन दोनों के मेल से इनका उच्चारण स्थान होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो एक और क्वेश्चन बचता है यहाँ से, क्या लै लै को हम जो पार्श्विक भी कहते हैं। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से, तो क्या होता है लै। पार्श्विक क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जो देखो आप लै का उच्चारण करो लै, तो जो वायु जो नहीं वायु वो जीभ के बगल से होकर निकल जाती है, लै बगल से होकर निकल जाती है, यानी कि ये जो बगल क्या होता है पार्श्व, यानी कि इसलिए इसे क्या कहते हैं लै पार्श्विक। और रे को क्या कहते हैं लुंठित, वो भी मैंने आपको बता दिया कि लुंठित क्यों कहते हैं। अब आप देखो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये सब, आप इनको जो लिख कर देखें प्रैक्टिस करें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज जो आप हम इनके जो क्वेश्चन आंसर करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है ये आपको यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन से वर्ण का उच्चारण, इनमें से आपके जो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, खे का उच्चारण स्थान कौन सा है, दे का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप जब इनको जो सबको लिख कर और जो आप देखेंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो आपको जिन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से बता देंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से हो रहा है। तो आइए हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था प्रथम वर्ग क्या होता है हमारा कैवर्ग, कैवर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क ख ग घ और अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा कंठ से। आप उच्चारण करके देखो क ख ग घ ये, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा हमारा, क्या कंठ, इसका ऑप्शन बी क्या राइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, स का उच्चारण स्थान है, जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया था स, देखो स का उच्चारण करो स सलजम सलजम, तो कहां से हो रहा है यहां से, ये जो हमारा कंठ से ऊपर को जो खींच रहा है ये जो, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा तालु से, क्या हो जाएगा तालव्य। अब इससे अगला क्वेश्चन है कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, ये क्वेश्चन जो राजस्थान टेट में भी आया हुआ 2011 में, ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि जो इसमें जो तीन वर्ण ओष्ठ्य और एक वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, तो देखो हम देखते हैं कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। मैंने आपको बताया था ये जो पै वर्ग होता है, पै वर्ग जो ओष्ठ्य होता है, पांचवा वर्ग जो होता है, जिसमें क्या क्या आते हैं हमारे पै फे बे भे में, तो देखो बैर में तो ओष्ठ्य है ये पै वर्ग से है, और इसके अलग ऊ देखते हैं ऊ बोलो देखो ऊ, तो क्या हमारे होठों में हरकत हो रही, तो इसका उच्चारण विकास होता है होठों से, लेकिन आ क्या आ हमारा ओष्ठ्य नहीं होता, आ कैसे उच्चारित होता हमारा आ होता कंठ से। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया हुआ 2013 में सेकंड एग्जाम में, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, दंतव्य वर्ण क्या होते हैं जिनका उच्चारण जो दांतों के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं यह का उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से होता, यह का उच्चारण होता है हमारा तालु से, यहाँ से होता है नहीं, ये ई जैसी आवाज देता है। अब देखते हैं क्या चे चे बोलो देखो चे चे कौन से दूसरे वर्ग का व्यंजन है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका भी तालु से, तय बोलो तय तय, जब हम तय बोल रहे तो देखो हमारी जीव जो दांतों में लग रही है नहीं, तो तय क्या होता है दंतव्य वर्ण है, तय का तय जो चौथे वर्ग का व्यंजन है तय थे दे दहन है, ये सारे के सारे क्या दंतव्य वर्ण होते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बता तालव्य व्यंजन है, ये क्वेश्चन हमारे बी एड एंट्रेंस में भी आया हुआ है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अब हम देखते हैं दे ऑप्शन ए में क्या देखा दे दे कैसे व्यंजन है हमारा उच्चारण करके देखो, दे कौन से वर्ग में आता है तय वर्ग में, तय थे दे धन है, तो ये क्या होते हैं हमारे दंती हैं। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या चे छे जे और झे, ये कौन सा वर्ग होता है हमारा, ये हमारा तालव्य व्यंजन होते हैं, इनको उच्चारण करके देखो आप चे छे जे झे, यहाँ से हो रहा नहीं हो रहा तालु से, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दोस्तों का इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जो हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।